अली भाई, अगला सवाल है। मैंने अपने बचपन में एक ज़िम्मेदार बरेलवी आलम और मुनाजर मौलाना सईद अहमद असद हाफिज़ाहुल्लाह की ज़ुबानी एक वाक़ा सुन रखा है, जिसकी तस्दीक अली भाई से मतलूब है। क्या ये वाक़ा दुरुस्त है कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम के लिए निकले तो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी कब्र अक़दस से निकाल कर हिजरत को रवाना हुए थे? प्लीज़ वजाहत फरमा दें। देखें जी, जो सईद अहमद असद साहब है ना जी, हाफिज़ाहुल्लाह ताला, इनसे मेरी मुलाकात भी आपको पता है फैसलाबाद में हुई थी। ये बरेलवी मकतबे फ़िक्र के चंद एजुकेटेड उलमा में से हैं। मुझे सही तरह याद है कि 1996 में, यानी आज से 24 साल पहले, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो वीकेंड्स में मैं घर आया करता था, तो इनकी एक मिलाद के मौके के ऊपर तकरीर थी। उस तकरीर में मैंने पहली दफ़ा शेख नासरुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्लाह ताला का नाम इनके मुंह से सुना था। मैं खुद भी उस वक्त कट्टर बरेलवी था, तो मुझे याद है कि सईद असद साहब उस वक्त कहते थे, उस वक्त दाढ़ी भी इनकी काली थी, कि उस वक्त अल्बानी साहब भी जिंदा थे, अल्बानी साहब फौत हुए 1999 में, तो कहते सन सऊदी एक बैठे है इन्हों का, ठीक है। तो हालांकि वो इनका भी कोई नहीं है अब, उसने अहले बैत की मोहब्बत में जो आदीश जमा की है ना, तो मैंने आपको बताया कि अनकरीब उसको भी ये राफजी कह देंगे। वो इनका नहीं था, वो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला था, बड़ा मुहिब अहले बैत बना था रहिमहुल्लाह ताला। तो अल्बानी साहब का तारुफ मैंने पहली दफ़ा इनसे सुना। मैंने भी सईद अहमद असद साहब से ये वाली हदीस खुद सुनी थी, खैर उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं था हदीस की किताबों का। बहरहाल ये जो हदीस उन्होंने बयान की है ना, इस वाक़े का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा है। ये वाक़ा आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पे सही कहा है, इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़कत की है। ये हदीस जो है वो मुसनद अबी याला में भी मौजूद है सही सनद से, सही इबन हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस तफसीर इबन कसीर में भी मौजूद है। तफसीर इबन कसीर में जो सूरह अश्शूरा की आयत नंबर 52 है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी, वअउहैना इला मूसा अन असरी बिइबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, हमने मूसा को वही की कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुंदर में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए, और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए, कुरान में आता है, तो तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूरह अश्शूरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्ने कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ ले गए, तो वहां पे एक देहाती शख्स था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए, आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना, दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, एक तो बदला उतर गया, फिर आपने एंड पे फरमाया मांग क्या मांगता है। उसने कहा रसूलल्लाह एक ऊंट चाहिए जिस पे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें, हाँ उस पे कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियां मिल जाएं जिनका दूध दो के मैं अपना और अपने फैमिली का सिलसिला चला लूं। यार उस ज़माने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं था गुजार सकता। गंदम के दाने, साल के दाने पूरे हो जाएं, दूध के लिए भेड़ बकरी रखी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और कोई काम ही नहीं है। ये जो आसाइशें हैं इनकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। एक ऊँट और चंद बकरियाँ मांगी, और किससे मांग रहा है? अल्लाह के नबी से।
जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं। तो नबी अस्सलाम फरमाया, ओए तुझसे तो वो बनी इसराइल की बूढ़ी अच्छी रह गई, ओए जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। अच्छा, साहब ने कहा या रसूलल्लाह वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उससे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। तो उन्होंने फिर बताया कि हज़रत बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना, आगे बनी इसराइल में से थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों के दरमियान आलमोस्ट 1400 साल का फासला है हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल्क शाम गए ना, क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था, वो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में आता है ना कि बिख के वहाँ तक पहुँचे, फिर अल्लाह ने वहाँ उनको मर्तबा दिया तो बनी इसराइल वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन याद तो अपने वतन की सताती थी, इनको ये भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे, तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करो ना तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहाँ पे यरूशलम में दफन करना है जो मेरा अबाई जगह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओहो ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तनाल घड़ना मैडा है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था। उनका अच्छा ठीक है जी, बताओ कब्र की तरफ। उनका जी कब्र भी नहीं पता हमें, क्योंकि उस जमाने में मज़ार नहीं होते थे, पॉइंट टू बी नोटेड, मज़ार तो नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका बहुत बड़ा मज़ार होना चाहिए था, वहाँ वज़ीर खुराक रहे थे वो। उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बात कर लेते हैं। तो कहा अम्मा बता। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे, कोई माल, कोई बकरियाँ, कोई ऊँट, जिस तरह इससे आपने भी मांग लिया। उन्होंने कहा जी मुआवजा यह है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूँगी। अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग फक हो गया, चेहरे पे नागवारी के सार आ गए कि ये क्या मांग रही है, फिर दूसरा ही मेरे इख्तियार में भी नहीं है। तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज़रत मूसा को वही की कि आप कमिटमेंट कर लें इसके साथ। ओए हाय हाय, देने वाला तो अल्लाह है ना जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। इसलिए हुज़ूर ने उस अरबी को कहा, ओ यार तुझे तो बुढ़िया अच्छी रह गई, यानी तू मुझसे जन्नत में मेरा पड़ोस मांग लेता, तूने मांगी तो दुनिया की चीज मांगी। जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक सहाबी थे रबिया, नबी अलैहिस्सलाम को वजू करवाया करते थे, एक दिन समुंदर रहमत जोश में आया, फरमाया सल रबिया, रबिया क्या मांगता है? वो भी तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस, हो सकता है इस वाक्य के बाद यह हुआ हो, उन्होंने ये बात सुनी हुई हो, अहम मुमकिन है, ये मेरी असेसमेंट है। आप फरमाया और भी कुछ मांग ले? उनका नहीं यार रसूलल्लाह, इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी अल्लाह की इबादत कर कसरत के साथ, मेरी शफात भी तेरे काम आएगी, अल्टीमेटली तुझे जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी आए, उनका यार रसूलल्लाह क्यामत कब आएगी? आपने फरमाया कि कोई क्यामत के लिए तूने तैयारी भी की है? तो उसने कहा यार रसूलल्लाह मैं तो बस मोटे मोटे दीन पे चलता हूँ, फ़राइज़ पूरे करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा नफली बातें मेरे पास नहीं है, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस फरमान से हुई कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है अल्लाह और उसका रसूल क़यामत वाले दिन उसके साथ होंगे, यानी उसे भी पड़ोस मिल जाएगा।
اور پھر حضرت انس اپنے مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اے اللہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں، اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی، حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا، یعنی بہت پرانا تالاب تھا، کوئی اتنے یوز میں بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں، اس تالاب کو خشک کریں۔ وہ تالاب خشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں، یہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اے دسو کسی نے لبنی سی، اس معنی علم غیب بھی نہیں سی ہوتا، نہیں تو لب جانا، ٹھیک ہے، بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے، وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا۔ تو خیر وہ قبر کھودی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے۔